दसरा स्पेशल में आज हम बनाएंगे मालपुआ, बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट ऐसा हमारा मालपुआ है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा, 40 ग्राम चावल का आटा, 40 ग्राम रवा, मैंने लिया है 1 कटोरी दूध। हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है। सबसे पहले हम आधा दूध ऐड कर लेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध की जगह पे आप पानी भी यूज कर सकते हो, पर दूध से इसकी टेस्ट बहुत ही लाजवाब आती है। ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला मालपुआ है। मालपुआ बहुत ही अलग अलग टाइप से बनता है, वो सारे रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। पर सबसे इंस्टेंट बनने वाला यही मालपुआ है, जो बहुत कम सामान में और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैसे हम भजिए बनाते हैं उसका जो मिक्सचर होता है वही कंसिस्टेंसी मैंने रखी हुई है। हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर नहीं बनाना है। सबसे पहले हम चाशनी रेडी कर लेंगे। मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें डाल लेंगे शक्कर। शक्कर मैंने लगभग 150 ग्राम ली है। शक्कर आपके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप और शक्कर ऐड कर दीजिए। और अब डाल देंगे पानी। चाशनी को हम लो फ्लेम पे रख देंगे, जब तक ये चाशनी बनती रहेगी तब तक हम मालपुआ रेडी कर लेंगे। मालपुआ को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में 1 कटोरी घी डाल दिया है। घी की जगह पे आप तेल भी यूज कर सकते हो, पर घी की टेस्ट बहुत ही लाजवाब आती है। मैंने देसी घी लिया है। बीच बीच में हमें चाशनी को चेक करते रहना है। हमें ज्यादा तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं 5 से 7 मिनट तक उसको अच्छे से उबाल के गैस बंद कर देंगे। मालपुआ फ्राई करने के लिए हमें इस तरह का पैन लेना है ताकि एक साथ 2 से 3 मालपुआ साथ में फ्राई कर सके। घी गर्म हो गया है, जो बैटर हमने बना के रखा है उससे बनाएंगे मालपुआ। इस तरह से हमें छोटी छोटी पूरियों जैसा शेप देना है। साइज आपके हिसाब से आप छोटी बड़ी रख सकते हो। घी गर्म होने के बाद गैस फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। और इस तरह से घी हमें ऊपर से डालते जाना है। मालपुआ के साथ ही हम बीच बीच में चाशनी को भी चेक करते रहेंगे। हमें बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से निकालने हैं। अगर हमारे मालपुआ आसानी से निकल रहे हैं मतलब नीचे से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अब हम इनको पलट देंगे। अब हमें ऊपर से घी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक साइड अच्छे से फ्राई हो गई है। इस तरह से दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए मालपुआ। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल देंगे। 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें चाशनी को अच्छे से उबाल लिया है। ज्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए, आप देख सकते हो। अब हम इसी के साथ ऐड कर देंगे बहुत ही खास चीज, बिल्कुल चुटकी भर नमक हम इसमें ऐड करना है। मीठी चीजों में चुटकी भर नमक और तीखी चीजों में चुटकी भर शक्कर, ये बहुत ही खास ट्रिक है। उसी के साथ ऐड कर देंगे थोड़ा सा केसर। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। आपको चाहिए तो इसी के साथ आप थोड़ी सी इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। गरम चाशनी में हम डाल देंगे मालपुआ ताकि वो चाशनी अच्छे से सोक कर ले। इस तरह से दोनों साइड से पलटते हुए हमें चाशनी में उनको अच्छे से डुबोना है। आप चाहे तो चाशनी में भी थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हो। इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक हम इनको चाशनी में ही रख देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। डेकोरेशन के लिए ऊपर से डाल देंगे हम पिस्ता।
इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए कविता जाधव रेसिपी चैनल और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।